गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री ब्रांचेस इंपोर्टेंस एंड स्कोप। तो भारतीय कृषि उसका इतिहास है, उसकी शाखाएं हैं, उसका महत्व है और उसका स्कोप है। तो इन सबको पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का मीन क्या होता है, एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मीन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है। तो हम इसके अर्थ की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर, लैटिन वर्ड के लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड है एग्रीक और कल्चर, इससे मिलकर बना है एग्रीक से और कल्चर से। एग्री का मतलब होता है यहाँ पे सोइल, कल्चर का मतलब होता है यहाँ पे कल्टिवेशन। मीन्स यू कह सकते हैं कि कल्टिवेशन ऑन सॉयल इज एग्रीकल्चर, मतलब पर खेती करना ही क्या है, एग्रीकल्चर। चलो नेक्स्ट हम बात करें, आपको मीन क्लियर है। इज ए लैटिन वर्ड, एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड एग्री प्लस कल्चरा। एग्री का मीन सॉयल और कल्चरा का मीन कल्टिवेशन, मीन्स कल्टिवेशन ऑन सॉयल। कल्टिवेशन ऑन सॉयल इज एग्रीकल्चर, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन क्या है। आपसे कोई पूछ ले कि डिफाइन एग्रीकल्चर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो जैसे साइंस की ब्रांच होती है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड जूलॉजी में स्टडी अबाउट एनिमल्स, क्लियर है। तो ऐसे ही बॉटनी की ब्रांच होती है एग्रीकल्चर, एक तरह से जो कह सकते हैं एग्रीकल्चर में भी स्टडी अबाउट प्लांट या पेड़ पौधों के फसलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एग्रीकल्चर को कैसे परिभाषित करोगे, तो एग्रीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। किसकी ब्रांच है, तो एग्रीकल्चर द ब्रांच ऑफ साइंस, पहली बात ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, इसके बारे में स्टडी की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ अलोंग विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, मछली पालन, पशुपालन भी इसके साथ साथ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर में मेन तो क्या हो गया क्रॉप प्रोडक्शन, लेकिन इसके साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है, पीसी कल्चर भी किया जाता है, रेशम कीट पालन, सेरी कल्चर, लेग कल्चर, लाख कीट का पालन किया जाता है, ठीक है, एटसेट्रा। अब ये सब किसके लिए किया जाता है, यहीं पे परिभाषा पूरी नहीं होती एग्रीकल्चर की, कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन अलोंग विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड पीसी कल्चर, शहरी कल्चर बहुत सारी हैं, जैसे वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये सब चीजें किसके लिए की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन किसके लिए किया जाता है, तो फॉर द लाइफ स्पान, मतलब जीवन निर्वाह के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन किसके लिए किया जाता है, उस किसान के जीवन निर्वाह के लिए, उसके खाने पीने की चीजों के लिए। जैसे अनाज, उसको रोटी खानी है, भोजन करना है, तो अनाज वाली फसलें, अगर उसको दाल चाहिए तो दलहनी फसलें उगाएगा, अगर उससे तेल चाहिए तो तिलहनी फसलें उगाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं उसके जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन एक और बात आती है, जीवन निर्वाह तो हो जाएगा खेती से, ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे उसको गाड़ी की जरूरत है, कैसे लाएगा, तो सैलरी तो है नहीं उसके पास, गाड़ी कैसे लाएगा, फ्रिज कैसे लाएगा, ठीक है, ट्रैक्टर कैसे लाएगा, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो वो पैसा भी किसान के पास या जो फसल उगा रहा है उसके पास कहाँ से आएगा, इस खेती से ही तो आएगा। तो इस डेफिनेशन में आपको ये भी ऐड करना है कि लाइफ स्पान के लिए भी वो खेती करता है। दूसरी, फुलफिल ऑफ इकोनॉमिक नीड, इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करने के लिए और जीवन निर्वाह के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल रियरिंग की जाती है, पीसी कल्चर की जाती है, सेरिकल्चर की जाती है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे, एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन अलोंग विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर एटसेट्रा।
फॉर लाइफ स्पान, जीवन निर्वाह के लिए एंड फुलफिल ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आर्थिक जो आवश्यकता है उनको फुलफिल करने के लिए जो खेती की जाती है उसे ही कहते हैं क्या, उसे ही कहा जाता है एग्रीकल्चर। तो हमने देखा मीन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर है। तो डेफिनेशन में हमें पता होना चाहिए, मैं और लिख देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। तो एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देख किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अलोंग विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल पिसिकल्चर, सेरिकल्चर एटसेट्रा, ठीक है एटसेट्रा, किसके लिए, फॉर लाइफ स्पान, लाइफ स्पान एंड फुलफिल ऑफ इकोनॉमिक नीड, फुलफिल ऑफ इकोनॉमिक नीड, आर्थिक उद्देश्य के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और लाइफ स्पान के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल पशुओं को पाला जाता है, मछली पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, एपिकल्चर किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्लियर है भाई सभी का। तो अब हमने मीन और डेफिनेशन तो देख ली, आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड which consists of two words, agri plus cultura, agri means soil, cultura means मतलब होता है cultivation, means cultivation on soil, then define की बात करें, what define agriculture, तो आप कह सकते हो agriculture is the branch of science in which deals about crop production, along with rearing of animals, apiculture, pisciculture, sericulture, for life span and fulfill of economic needs, तो इसे ही हम कहेंगे agriculture। देन हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, नोट भी कर लीजिए साथ के साथ, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो हम इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे कि एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नोट कर लेना हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, दिस बुक रिटन बाय, ये बुक है उनका नाम है, इसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय डॉक्टर एम एस रंधावा, नोट कर लेना भाई इसे, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, बुक रिटन बाय एम एस रंधावा। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड, भारतीय कृषि बोर्ड कब स्टेबलाइज हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड स्टेबलाइज इन 1904। ये दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया रिटन बाय एम एस रंधावा, देन इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड कब स्थापित हुआ, तो 1904 में स्थापित हुआ। इसके बाद आपको एक चीज बताता हूँ हिस्ट्री में ही फिप्स लेबोरेटरी के बारे में, ठीक है, आपको एक तरह से फाउंडेशन है एग्रीकल्चर, आपने सब्जेक्ट का चुनाव किया है तो सबसे पहले आपको उसके हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो पता होना चाहिए, तो फर्स्ट चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिप्स लेबोरेटरी, हिस्ट्री में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिप्स लेबोरेटरी क्या है, देखो एक चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे, फिप्स नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, यूएसए का रहने वाला, इसने क्या किया, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में गंडक नदी के किनारे इसकी एक लेबोरेटरी स्थापित की, ठीक है, उस जगह को फिप्स लेबोरेटरी जगह को
पूसा के नाम से जाना जाता है। पूसा के नाम से क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूसा कई बार पूछ लेते हैं पूसा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो पी है, पी तो इस पिक से बना है जो यूएसए से आया था, अमेरिका से आया था, ठीक है। और पूसा का मतलब होता है पिक्स ऑफ यूएसए, यूएसए का ये रहने वाला था, तो इस क्षेत्र को जहाँ पे लेबोरेटरी थी उस क्षेत्र को पूसा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कब स्टेबलाइज हुआ, इन 1905। कहाँ पे स्टेबलाइज हुआ आपको ये भी पता होना चाहिए, एट बैंक ऑफ गंडक रिवर, गंडक नदी के किनारे। अब ये गंडक रिवर कहाँ पे है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में ये स्टेबलाइज हुई 1905 में, ये जरूर ध्यान रखना इसका ही है। इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड कब स्टेबलाइज हुआ, 1904 में। उसके बाद आप इस जो ये एरिया था उसको किस नाम से जाने लगा, पूसा के नाम से। पूसा का मतलब होता है पिप्स ऑफ यूएसए, ठीक है। उसके बाद हम देखें 1911 में ये पूसा लेबोरेटरी है, इन 1911 पूसा लेबोरेटरी है, इसको इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाने लगा, इसका जो नामकरण हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर है। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसे जाना जाने लगा। 1999 इसे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने लगा, मतलब IAR, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हुआ क्या, नवंबर 7 1936 बिहार में क्या आई, बाढ़ आ गई, फ्लडिंग होने के कारण जो ये पूसा लेबोरेटरी है, पिप्स लेबोरेटरी है, पूसा नहीं, पिप्स लेबोरेटरी है, वो डैमेज हो गई, जो बिल्डिंग थी उसकी वो डैमेज होने के कारण 7 नवंबर 1936 ड्यू टू फ्लड जो पूसा पिप्स लेबोरेटरी है उसको ट्रांसफर किया गया, क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया कहाँ, फ्रॉम बिहार टू दिल्ली, क्लियर है। तो ये हिस्ट्री में है, आपको पता होना चाहिए। और आज नाउएडेज जो पिप्स लेबोरेटरी थी उसे किस नाम से जाना जाता है, इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल वर्ड का सुना गया, इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। तो ये इसकी स्थापना कब हुई, 36 में, ध्यान रखना है, पूसा लेबोरेटरी 1905 में, ये आपको पता होना चाहिए IARI कहाँ है। देन July 16, 1929 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेबलाइज हुआ, कहाँ पे, वही दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ जो टॉप मोस्ट गवर्निंग बॉडी है इन एग्रीकल्चर फील्ड वो है ICAR, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, SERC बोलते हैं ICAR। ये कब स्टेबलाइज हुआ, 16 जुलाई 1929।
और 16 जुलाई को आईसीआर डे भी मनाया जाता है, ये भी आप नोट कर लेना। क्लियर है? तो ये हमने बात की हिस्ट्री की, इसमें आपको एक चीज और जोड़ लेनी है, फादर ऑफ ड्वार्फ वीट। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। पहले गेहूं की हाइट ज्यादा होती थी, लेकिन एक वैज्ञानिक है एनी बोलो, उन्होंने ड्वार्फ जीन यूज किया। गेहूं में ड्वार्फिंग जीन होता है बोनेपन का कारण। ड्वार्फ का मतलब बोना, छोटा रह जाना। गेहूं की जो हाइट है आजकल कम है, पहले ज्यादा होती थी। फादर ऑफ ड्वार्फ वीट कौन है? एनी बोरलोग। कौन है भाई? एनी बोरलोग है, जो भारत में आए थे 1963 में भ्रमण के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की स्थिति को देखने के लिए। तो क्या आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर का मीन, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। अगली क्लास में हम बात करेंगे ब्रांचेस, इंपोर्टेंट्स एंड स्कोप। ठीक है? ओके, थैंक्स।